अगर आप भी ट्रेंट बोल्ट को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 58वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें राजस्थान और दिल्ली आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन राजस्थान दिल्ली पर हावी होती हुई दिखाई दी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 58वां मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच में खेला गया, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी तो वहीं राजस्थान की कप्तानी संजू सैमसन ने करी। और सबसे पहले दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए और दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए चेतन साकरी आए। और राजस्थान की शुरुआत हुई तो वहीं जॉस बटलर एक धीमी पारी खेलकर सस्ते में पवेलियन लौट गए और चेतन साकरिया ने उन्हें अपने दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच कराया और राजस्थान ने बटलर का विकेट जल्दी गंवाने के बाद अश्विन और यशस्वी की एक मजबूत साझेदारी के दम पर टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया और मेजल मार्श ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर दिल्ली को बड़ी सफलता दिला दी और मार्श ने यशस्वी को ललित यादव के हाथों कैच कराया और यशस्वी ने आउट होने से पहले 19 गेंदों में 19 रन बनाए थे। तो वहीं रविचंद्र अश्विन और देवदत्त पड्डीकल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और रविचंद्र अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और ये उनका आईपीएल और टी20 प्रारूप में पहला अर्धशतक रहा है और इसी के साथ अश्विन के क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50 हो गई है। तो वहीं रविचंद्र अश्विन अपना अर्धशतक बनाकर पवेलियन लौट गए और उन्हें मिचेल मार्श ने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वार्नर के हाथों कैच कराया। तो वहीं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन सस्ते में ही पवेलियन लौटे और उन्हें एंड्रिक नॉर्कियो ने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल के हाथों कैच करा दिया और सैमसन ने आउट होने से पहले 4 गेंदों में 6 रन बनाए थे। और हालांकि नॉर्कियो ने अपने इस ओवर में 14 रन भी खर्च किए थे। तो वहीं चेतन साकरिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग को रॉबिन पॉवेल के हाथों कैच कराया और पराग ने आउट होने से पहले 5 गेंदों में 9 रन बनाए और देवदत्त पड्डीकल शानदार बल्लेबाजी करने के बाद अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और वो 30 गेंदों में 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उन्हें एंड्रिक नॉर्कियो ने अपने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कैच कराया। और वहीं डीप पॉइंट पर खड़े सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी नागरकोटी ने आगे भागते हुए ड्राइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा था। तो वहीं राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं, जिसमें मार्श, एंड्रिक, चेतन ने दो दो विकेट हासिल किए और 161 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम उतरी। तो दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने के लिए डेविड वार्नर और श्रीकर भरत मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि डेविड वार्नर लगातार बेहतर प्रदर्शन सभी टीमों की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की टीम ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने के लिए अपनी टीम में ला दिया था और उनके साथ श्रीकर भरत से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी। तो वहीं पहला ओवर कराने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए और ट्रेंट बोल्ट लगातार बेहतर गेंदबाजी इस मुकाबले में कर रहे थे और ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीकर भरत को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज तर्रार बल्लेबाज मिचेल मार्श आए और इनसे तेज बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी। तो वहीं पहले ओवर में मात्र 1 रन आया, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी कराने प्रसिद्ध कृष्णा आए और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर में 1 भी रन नहीं देते हुए मेडन ओवर डाल दिया। तो वहीं राजस्थान को दबाव में डाल दिया, जिसके बाद अगले ओवर में फिर से ट्रेंट बोल्ट आए और ओवर में मात्र 4 रन दिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी कराने रविचंद्र अश्विन आए और ओवर में 1 छक्के समेत 11 रन आ गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने ट्रेंट बोल्ट दोबारा से आए और इस ओवर में 2 चौके समेत 12 रन दे दिए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी कराने प्रसिद्ध कृष्णा आए, जिन्होंने अपना पहला ओवर मेडन डाला था और इस ओवर में 1 छक्के समेत 9 रन आ गए और पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।